भारत के सर्वमान्य नेता, हमारे सबके नेता श्री राहुल गांधी जी, जो आज विपक्ष के नेता हैं और एक बहुत मजबूती से लोगों की आवाज़ हर मुद्दे पे उठा रहे हैं, और यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयपान जी और हमारी वरिष्ठ नेता बहन शैलजा जी और हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह जी व जितने भी हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, सभी हमारे उम्मीदवार गण या यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार शमशेर गोगी जी व सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं, देखिए राहुल जी, जब से आपने भारत जोड़ो यात्रा इस जीटी रोड से गई थी और हरियाणा में सब जगह गई थी, एक नया जोश यहाँ के कार्यकर्ताओं में आपने भरा है और स्वयं आप देख रहे हैं कि लोग आज केवल हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, केवल कांग्रेस की ओर देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 10 साल इनकी सरकार थी, लोगों ने तोल के देख लिया। इस सरकार ने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे गोहाना में, कहा कि हरियाणा सरकार 24 फसलों का MSP दे रही है। अरे 24 तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में, फसल जिन फसल कभी हुई नहीं हरियाणा में उनकी भी गिरावट कर रहे हैं, तो ऐसी बात है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, करते नहीं। MSP की बात करते हैं, MSP आज धान मंडियों में भरा पड़ा है और किसान मजबूरन 300, 400, 500 रुपए क्विंटल तक कम धान बेचने का काम कर रहा है। कहाँ गई इनकी MSP गारंटी? MSP गारंटी तो राहुल जी रायपुर सेशन में आपने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान को MSP गारंटी देगी और C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर उसका मूल्य तय होगा, लेकिन यहाँ बातें कुछ हैं, करनी कुछ है। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए जो कांग्रेस कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने उद्घाटन किया था, 100-100 गज के 4 लाख पड़ोस दिए थे और 3 लाख अंकित कर दिए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उसको स्कीम को रद्द कर दिया। इस प्रकार से आज हर वर्ग इस मौजूदा सरकार से विमुख है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, आज सिर्फ कांग्रेस की ओर और आपके नेतृत्व देख रहा है। मैं आभारी हूँ आपका राहुल जी, जिस मजबूती से आप किसान के स्वामीनाथन C2 की फार्मूले की आवाज़ उठा रहे हो, और मैं समझता हूँ जिस तरह हरियाणा के और पंजाब के लोगों ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने के मजबूर किया था, इसी प्रकार से जो आपके साथ हम लग के आप जो आवाज़ उठा रहे हो C2 स्वामीनाथन फार्मूले पर MSP देने का काम करेंगे, हम मजबूर करेंगे सरकार को। आप आए हो, मैं आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं और आपको विश्वास भी दिलाता हूं। आज कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, और ये शुरुआत आपकी भारत जोड़ो यात्रा से हुआ, फिर हाथ जोड़ो यात्रा से हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका सब आए आपका भी धन्यवाद और राहुल जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें इतना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।